अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं सऊदी ब्रेकिंग न्यूज़ में। काफ़ी बड़ी खबर उन तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो कि डायरेक्ट सऊदी अरब का सफ़र करना चाहते हैं, चाहे आपने पाकिस्तान के अंदर रह के चाइनीज़ वैक्सीन को दो खुराकों का लगवाया है या फिर सऊदी हुकूमत की जानिब से बताई गई मंजूरशुदा वैक्सीन को लगवाया है, तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सऊदी हुकूमत की जानिब से क्लियर और वाज़ेह तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल किया, उनके लिए फ्लाइट्स को बहाल किया जा रहा है। तो आगे चल के फ्लाइट्स के रिलेटेड तमाम तफसीलात आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी तौर पर देखें ताकि आपको तमाम डिटेल की समझ आ सके। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में देखे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी और जल्द पहुँच सके। आपको बताता चलूं कि सऊदी अखबार के अंदर आर्टिकल शाया हुआ है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल बिलाल अकबर की जो तस्वीर है और उनकी तमाम तर डिटेल्स को उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। जो लोग पाकिस्तान के अंदर परेशान थे और सऊदी अरब जाने के लिए तैयार थे, उनके लिए मुकम्मल तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन को नहीं बहाल किया गया था, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और फ्लाइट ऑपरेशन को बहाल करवा दिया। बहुत ही जल्द तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया जाएगा कि मुकम्मल तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल कर चुके हैं उनके लिए फ्लाइट ऑपरेशन को बहाल किया जा रहा है। तो बहुत ही जल्द आपके लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने वाला है। आप थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, आप किसी और रास्ते से ना जाएं, वाया ना करें, आप डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने का इंतजार करें। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला आप तमाम तर लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी और मुकम्मल तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो जाएगा। आप वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल करें, आप अपने तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरा करें ताकि आपको जाते वक्त कोई भी परेशानी का सामना ना करना।